वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। इन दिस वीडियो वी कवर अबाउट दैट वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ओके, चर्चा करेंगे इस पे हम और इसके सिग्निफिकेंस की बातें करेंगे और ये भी देखेंगे कूलिंग टावर में इसका क्या यूज होता है। देखिए मेन मोटो हमारा यही है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर आप 11वीं 12वीं या केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री विजिट करते हो तो इंडस्ट्री विजिट में कूलिंग टावर यानी जब आप इंजीनियरिंग आप वहां पे इंप्लीमेंट करते हो तो वहां पे इसका क्या सिग्निफिकेंस है हम ये चर्चा करेंगे। तो पिछली बार हर वीडियो की तरह मेरा नाम है आयुष्मान त्रिपाठी और आ चुके हैं आप अपने एडी केमिकल पॉइंट पर। तो देखते हैं क्या होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर। मेरे हाथ में बहुत सारे मार्कर आ चुके हैं यानी बजट बढ़ चुका है ऐसा मुझे फील हो रहा है। चलिए मजाक कर रहे हैं, टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर पढ़ने के लिए पहले हमें थोड़ा जानना है टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर पढ़ लेते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, बेसिकली टेम्परेचर जो आपको हीट कंटेंट को बताता है, क्या बताता है हीट के कंटेंट को। हीट कंटेंट मतलब कोई बॉडी कितना हीट गेन की है या कोई बॉडी उसको हम टेम्परेचर के फॉर्म में बोलते हैं। अब ये टेम्परेचर के यूनिट अलग अलग हो सकते हैं, सेल्सियस में हो सकता है, केल्विन में हो सकता है, फारेनहाइट में हो सकता है, वो अलग अलग चीजें वो यूनिट्स की हैं, लेकिन बेसिकली जो हीट के कंटेंट को बताए उसे बोलते हैं टेम्परेचर। आई बात समझ में, तो एक बात तो क्लियर हो जाएगा आपका कि ये जो डीबीटी में लिखा है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, WBT मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर, मतलब ये जो दोनों है टेम्परेचर के ही बारे में कुछ बात करेगा। ये बात तो समझ में आ गया क्योंकि मैं सोचा पहले शुरू से कोशिश करता हूं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ओके। तो आपने ये तो समझ गया कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर कुछ भी बताएगा तो टेम्परेचर के रिलेटेड ही कुछ बताएगा, इसलिए मैंने पहले कवर किया टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर क्या है, हीट के कंटेंट को बताता है कोई बॉडी कितना हीट गेन करी है या कोई बॉडी कितना है उसका हीट प्रेजेंट में है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 35, 45, ये सब आपका हीट को बताता है, ठीक है। अब बात करें ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखिए वेरी सिंपल, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को जानने के लिए आप अपने घरों में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे कोई थर्मामीटर पकड़िए, क्या करिए थर्मामीटर, इसकी अपनी कुछ यूनिट होगी, ये समझिए एक डिग्री पे है, ये दो डिग्री पे है, ये तीन डिग्री पे है, अगर फारेनहाइट में है तो मतलब फारेनहाइट सब चीजें में होंगी, ठीक है। अब पहले ये नाम पड़े जिसका नाम ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्यों पड़ा, पहले चर्चा कर ले। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर नीचे एक बॉल लगा होता है, क्या लगा होता है बल्ब लगा होता है इसलिए। और ये क्या होता है ड्राई, अब क्यों बल्ब का मतलब समझ गए, बल्ब लगा होता है, टेम्परेचर टेम्परेचर के बारे में बात करेगा दो चीजें तो समझ गए आप, अब ड्राई क्यों लगा होता है ये भी समझिए, एक एक चीजें ब्रेक करके पढ़िए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए ये ड्राई क्यों लगा गया इसके लिए आपको आगे मालूम चल जाएगा क्योंकि अभी चर्चा करूंगा तो फिर आप वेट बल्ब टेम्परेचर में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो वो आपको आगे चल के मालूम चल जाएगा कि ड्राई क्यों बोला जाता है, पर समझिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। कोई भी सिंपल सा थर्मामीटर लीजिए, क्या करिए सिंपल सा थर्मामीटर और उसको एटमोस्फियर में रख दिए, समझिए मैंने कोई थर्मामीटर पकड़ा और ऐसे एटमोस्फियर में रख दिया और यहां से कोई एयर आ रही है, क्या आ रही है एयर आ रही है ठीक है, और इस बॉल को टच कर रही है, क्या कर रही है। अब यहां पे से तो कोई मतलब होगा नहीं क्योंकि ये तो रीडिंग है, इस पे तो कोई एयर इसका भूमिका देगा नहीं, वो इस जो करेगा वो इस बॉल को ही टच करेगा और इसी बॉल को टच करने से इसके अंदर की रीडिंग अप और डाउन होती है, क्या होती है अप और डाउन होती है, इसके अंदर मरकरी भरी होती है जो रीडिंग ऊपर और नीचे होता है। आई बात, तो जब यहां पे एयर क्या होता है एयर कौन सा एयर, अनसेचुरेटेड एयर, याद रहे ये बात को समझिएगा, ये कुछ इंजीनियरिंग चीजें हैं जो अब अनसेचुरेटेड क्या होता है मैं एक लाइन में बता दूं, सेचुरेटेड मतलब जो भर गया हो अब उससे ज्यादा उसमें ना आए, अनसेचुरेटेड मतलब अभी और उसमें एयर की मॉइस्चर के कंटेंट आ सकते हैं। आई बात समझ में, देखिए इस पर लंबा चर्चा करें तो काफी लंबा एक वीडियो सेपरेट बन सकता है इसलिए मैं इसको स्किप करके बस थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब इस पर ठंडा एयर, ऐसे समझिए बिल्कुल मैं लो लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब इस बल्ब को कोई अनसेचुरेटेड एयर यहां से निकलेगी और इस बल्ब को टच करेगी तो इस दौरान जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा राइज करेगा, और उस दौरान जो टेम्परेचर राइज करेगा और जो टेम्परेचर दिखाएगा उस टेम्परेचर को बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। आई बात समझ में, फिर से बोल रहा हूं
ड्राइवर टेम्परेचर क्या होता है? ड्राइवर टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब सिंपल कोई थर्मामीटर को आप पकड़िए और एटमॉस्फेयर में रखिए और उसके बल्ब पे जो एयर आपका उससे होकर गुजरेगा और उस दौरान जो आपका टेम्परेचर बताएगा उस टेम्परेचर को बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये आपको बताता है कि एटमॉस्फेयर में एयर का टेम्परेचर कितना है। आई बात समझ में? ओके, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया। अब पढ़ते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। देखिए सिंपल ऐसे ये भी होता है, इसका भी एक आपका ऐसे रहेगा, इसमें भी एक क्या लगा रहेगा आपका बल्ब लगा होगा। क्या लगा होगा? ये आपका बल्ब लगा होगा। बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, सिंपल इसकी भी रीडिंग ऐसे ही होगी, याद रखिए सिम यही थर्मामीटर ही है। इसमें हम क्या करेंगे, एक हल्का सा या तो कोई भिगा के या कोई कपड़ा रुई या कोई भी चीज इसके ऊपर लपेट देंगे, इसको कवर कर देंगे। आई बात समझ में? ओके, इसको जब इसमें कवर कर देंगे और उसके बाद इस पे हम एयर गुजारेंगे, क्या करेंगे, एयर गुजारेंगे इसके रास्ते होके। और याद रहे जब ये एयर गुजरेगा और ये कपड़ा गीला है, बात समझिएगा, ये वेट बल्ब है इसीलिए इसको वेट बल्ब कहा गया। बात समझा रहा है? वेट मतलब गीला, बल्ब मतलब है ही ये बल्ब, मतलब ऐसा बल्ब जो वेट है और ऐसा बल्ब जो ड्राई है। आपको बोला था ना बाद में चीज समझ में आएगी, इसलिए इसका नाम रखा गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जो ड्राई है, जो क्या है, वेटेड नहीं है, ऐसा बल्ब जो वेटेड है, इसलिए इसको बोला गया वेट बल्ब टेम्परेचर। आई होप अब आप नाम का मतलब भी समझ गए होंगे। आई बात समझ में? ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब कोई उसके बल्ब को हम किसी चीज से कवर कर दे और गीले चीज से कवर करें, मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो, और तब पश्चात उसके पे एयर गुजारें। तो जब हम एयर गुजारेंगे तो ये जो गीला कपड़ा होगा या गीला रुई होगा जो भी होगा वो क्या होगा, थोड़ा ड्राई होगा, और जब ड्राई होगा तब इसके अंदर जो टेम्परेचर जाएगा वो कुछ इस टेम्परेचर से अलग होगा। इसे मान लीजिए जब ये ड्राई था तब इसकी ओर एयर आया, तब टेम्परेचर मेरा यहां गया क्योंकि ये ड्राई था। अब जब ये हमने हवा गुजारी लेकिन अब यहाँ पे गीला है और गीला कपड़ा किसके ऊपर लपेटा है, बल्ब के ऊपर लपेटा है, अब जो टेम्परेचर होगा वो कम वेरी करेगा, वो यहीं तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपने देखा टेम्परेचर का डिफरेंस, ये वाला टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वेट बल्ब टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है वेट बल्ब टेम्परेचर से। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा वेट बल्ब टेम्परेचर हम फाइंड क्यों, आपने वेट बल्ब टेम्परेचर समझ गए ना, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। वेट बल्ब टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब हम किसी मॉइस्चर को किसी बल्ब के ऊपर रख दें, किसी बल्ब नहीं थर्मोमीटर के बल्ब के ऊपर रख दें और उस दौरान जो एयर गुजारे और उस दौरान जो टेम्परेचर होगा वो किसका, थर्मोमीटर का, उसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। आई बात समझ में? अब बात ये समझ में आई कि जब हमें एटमोस्फियर का एयर बस फाइंड करना था तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेरे पास था, तो ये ताम झाम करने की क्या जरूरत है, एक गीला कपड़ा लपेटो किस थर्मामीटर के ऊपर, उसके बाद एयर गुजारो और उस दौरान जो थर्मामीटर हो उसे वेट बल्ब, ऐसा क्यों। उसके लिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाया है कि इसका यूज हम करते हैं किसके लिए, ऐसे मान हमारा है व्हाई यूज एंड वेयर। इसका यूज समझ जाएंगे तो मालूम चल जाएगा क्यों इसका यूज करते हैं, समझ रहे। इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि कोई एटमोस्फियर में जो एयर है, हमारे वातावरण में जो हवा है, वो किसी चीज को कितना हद तक ठंडा कर सकता है ये बताता था हमें वेट बल्ब टेम्परेचर। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से एक बार आपको रिकैप कर रहा हूं। वेट बल्ब टेम्परेचर से ये पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में जो आपके एयर है वो किसी चीज को कितना ठंडा कर सकता है ये आपको बताता है वेट बल्ब टेम्परेचर, जबकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको बस ये बताता है कि एटमॉस्फेयर में एयर का टेम्परेचर कितना है, और आपका वेट बल्ब टेम्परेचर बताएगा किसी चीज को कितना ठंडा करेगा। तभी तो ये ठंडा करता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जो एटमॉस्फेयर में जो एयर का टेम्परेचर होगा वही सेम इसका टेम्परेचर हो जाएगा। उसे बोलते हैं कि स्टेडी स्टेट, बोलते नहीं बोलते स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव कर लिया है, ठीक है, या बोले थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है। आई बात सुनिए, मतलब एयर का टेम्परेचर अगर हम माने 32 है और इसका जो टेम्परेचर आपका था वो कितना था, माने ठंडा था, काफी ठंडा था, बात समझिएगा, तो एयर आते 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 वो भी इसको अपने बराबर कर लेगा, मतलब ये अब स्टेडी स्टेट यानी इक्विलिब्रियम हो गया, जितना टेम्परेचर इसका उतना टेम्परेचर इसका, मतलब अब कोई एयर इसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आई बात समझ में? तो वेट बल्ब टेम्परेचर का यूज क्यों करता है ये समझ गया। अब बात करते हैं कहां करते हैं, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहां मिल जाएगा।
सबसे सिंपल कि वेयर मतलब कहां, तो वेट बल्ब टेम्परेचर का यूज वहां करते हैं कूलिंग टावर में, स्पेशली आप केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो, करते बहुत जगह है लेकिन हम बात जिस फील्ड में है उस फील्ड की लेके बात करेंगे, इसका यूज कूलिंग टावर में करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं कूलिंग टावर में, ये भी पढ़ रहे हैं, कूलिंग टावर में इसका यूज क्यों करते हैं कि हमें क्या होता है, मान लो आपको कूलिंग टावर होता है, ये समझो आपका कोई ये कूलिंग टावर, हालांकि फिगर ऐसा नहीं होता है, उसमें फैन लगे होते हैं, इनलेट आउटलेट लाइन होती है, सब चीजें होती है। ठीक है, आपका कूलिंग टावर में दो टाइप का होता है, नेचुरल कस्टर आपका होता है, कोर्स होता है, तो हम उतनी डीपली नहीं जा रहे हैं, आप समझो कूलिंग टावर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्लांट से आपका ये प्लांट से वाटर आया, ठीक है, और ये प्लांट में गया। ठीक है, जब गया तब इसका टेम्परेचर था 38 डिग्री सेंटीग्रेड था, जब आया तब इसका टेम्परेचर हो गया 59 या 16। ठीक है, ओके, इसको ठंडा करने के लिए हम एटमॉस्फेयर से या तो या फैन लगा देते हैं वो ठंडा करेगा, या एक होता है जो नेचुरल जिसमें फैन नहीं लगा, वो केवल एटमॉस्फेयर एयर उसको ठंडा करेगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, तो आपका क्या होता है एयर आता है इन और यहाँ एयर आपका आउट होगा, यहाँ से एयर इन होगा और इसके अपोजिट से आउट होगा, तो इस दौरान जो एयर का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, याद रहे 38 से तो ऊपर होगा, 38 से तो ऊपर होगा। ठीक है, अब मैं एक आपको बस क्रॉसफिट मतलब एक अंदाजा लगा रहा हूँ, ये कोई आइडियल डाटा नहीं है, एक्चुअल डाटा नहीं है, बात समझिएगा, जो भी टेम्परेचर होगा वो 59 या 60 से क्या होगा बिलो होगा और 38 से ऊपर होगा, इस दौरान वो क्या करेगा पानी के टेम्परेचर को रखेगा, आई बात समझ में, वो 37 भी रह सकता है, 38 भी रह सकता है, इससे ऊपर ही रखा 54 भी रह सकता है, तभी तो ये पानी फिर ठंडा होगा। और हम इसे लगाते क्यों हैं, हम इसे इसलिए लगाते हैं कि कूलिंग टावर में ये पानी कितना ठंडा कर सकता है ये हमें कैसे मालूम चलेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर से, आई बात में, हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा जो कूलिंग टावर है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड पानी को ठंडा कर सकता है, किससे वेट बल्ब, तो इसलिए हम यहाँ पे एक वेट बल्ब टेम्परेचर का थर्मामीटर लगा देते हैं और उससे पता चल जाता है कि जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो जो एयर का टेम्परेचर होगा, बात समझिएगा, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर का टेम्परेचर होगा उतना ही ठंडा कर पाएगा, हो सकता है उससे डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर ही करे, उससे नीचे तो नहीं करेगा, तो हमें यह मालूम चल जाता है कि एटमॉस्फेयर में जितना एयर का टेम्परेचर है उससे ज्यादा ठंडा ये पानी आपका प्रोसेस वाटर नहीं कर सकता, इसीलिए हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में चीलिंग का। अभी चीलिंग भी बहुत टाइप का होता है, हमने इसमें वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं, आई बात समझ में, तो कूलिंग टावर में इसका यूज करते हैं क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री में केमिकल इंडस्ट्री में कूलिंग टावर का यूज करते हैं, और कूलिंग टावर से जो पानी हमारे प्लांट में आता है यूटिलिटी के लिए वो पानी कितना डिग्री सेंटीग्रेड किसी प्रोसेस को ठंडा कर सकता है ये हमें बताता है वेट बल्ब टेम्परेचर। इसीलिए जब कभी आप देखते हो कूलिंग टावर का पानी गर्म हो जाता है तो हम वेट बल्ब टेम्परेचर पे पास जाते हैं और पता करते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो एयर का टेम्परेचर है वो कितना है, कहीं उससे कम तो नहीं, अगर ऐसा है फिर कूलिंग टावर की मेंटेनेंस वेंटेनेंस बातें होती हैं। अच्छा, ये है आपका डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है आपका एटमॉस्फेयर के एयर को बताता है, वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो किसी चीज को कितना हद तक ठंडा कर सकता है ये आपका वेट बल्ब टेम्परेचर बताता है। ये दोनों सिंपल एक ही थर्मामीटर होता है, बस एक थर्मामीटर जो होता है वो वेटेड नहीं होता है और एक थर्मामीटर जो होता है वेटेड होता है, ये भी डिफरेंस आप बोल सकते हो, आई बात समझ में, तो ये रहा छोटा सा डिफिनेशन, लेकिन इंटरव्यू पर्पस से इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने सोचा आपके सामने रखूं, शायद आपको ये पसंद आई हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।